आप सुन रहे हैं 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। श्रोताओं, 31 जुलाई यानी आज ही के दिन 1880 को वाराणसी के लम्ही में जन्म हुआ एक ऐसे साहित्यकार का, विचारक का, स्वतंत्रता सेनानी का, जिन्होंने अपने शब्दों और सोच से समाज के उन पन्नों को खोला जिसको छूने से कई साहित्यकार घबराते थे। सिर्फ समाज ही नहीं, प्रेमचंद जी ने जिंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को भी अपने शब्दों में पिरोया है। आज मुंशी प्रेमचंद जयंती पर हम आपको सुनाते हैं प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी देवी। रात भीग चुकी थी, मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनउद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ रहे थे। फकीर की आवाज़ जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, खुले मैदान में बुलंद पुकार लग रही थी। एकाएक वो औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वो बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज दिया है? ये क्या रहस्य है? उसको जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फिर फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट आते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो ये क्या चीज है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? मैंने और कुछ ना कहा और उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कहीं गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के फिर मैं उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। वो औरत बाहर निकल कर आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए बोला, रात आपने फकीर? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी, मुझे वो नोट कहीं पड़ा मिल गया था और फिर मेरे किस काम का था। मैंने उस देवी के कदमों पर सर झुका दिया। श्रोताओं, अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमारे पास हर एक चीज है जो हमें खूबसूरत बनाती है, हमारी जिंदगी को चलाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर दूसरों की चीजों को देखकर, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर हमें तकलीफ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आगे से आने वाले जीवन में इस चीज का ध्यान जरूर रखें, जो आपके पास है वो सबसे बेहतरीन है और शायद उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। नमस्कार।